गर्ल्स का डांस नहीं रहा, सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहा है और इसमें जिसका ड्रेस कोड है आज रेड, तो हाँ देखो हम दोनों रेड पहने। तो आज के फंक्शन का ड्रेस कोड था रेड और फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे मूली कॉम्प्लेक्स का ग्राउंड है जहां पे माता रानी शारदा माता का आगमन हुआ है और स्थापना हुई है। तो यहां पे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं और ये सब सॉन्ग्स जो भी सांस्कृतिक थे तो मराठी में हो रहे थे, हम लोग को समझ में भी नहीं आ रहा था। तो थोड़ा देर ऐसे बैठने के बाद अच्छा तो लग रहा था, धुनें अच्छी लग रही थी पर हमारे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मराठी में वो लोग अपने गा रहे थे, तो इसी की वजह से। और थोड़ी देर तक हम लोग बैठे और दर्शन करे और प्रसाद लिए माता रानी का और हम फिर चल दिए थे घर की ओर। तो थोड़ा सा ऑडियो हम आपके साथ भी शेयर करेंगे, बताइएगा आपको भी कैसा लगा। जो हमारे व्यूवर मराठी होंगे तो उनको तो इनकी भाषा समझ में आ जाएगी, बट जो हिंदी वाले होंगे उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगी हमारी। पर सुर लय अच्छे लग रहे थे और भगवान के ही भजन गाए जा रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बस ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे और थोड़ा सा ही सॉन्ग, और क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सबको इतना समझ में आएगा इसीलिए तो थोड़ा ही वीडियो हम आपके साथ शेयर करते हैं। फ्रेंड महाराष्ट्र में
हल्दी कुमकुम का बहुत ही प्रचलन होता है। कोई भी फंक्शन हो तो हल्दी कुमकुम लगाया जाता है सभी मैरिड लेडीज़ों को। इसके लिए ये हल्दी कुमकुम को थोड़ा सा फंक्शन होता है यहाँ पे, तो मेमन ने भी हल्दी कुमकुम लगाया और इसके बाद हम चल दिए थे घर की ओर। और फ्रेंड हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम ही था यहाँ पर आज, और इसके बाद हम डांस का वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। डांस कॉम्पिटिशन था यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो हमारा कैसा लगता है लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, टेक केयर फ्रेंड।